यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। राज्य स्तरीय सिविल सेवा दिवस पर सीएम जयराम ठाकुर ने सचिवालय से 8 वेब पोर्टल लॉन्च किए। सुशासन सूचकांक जारी करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। इसमें नीति आयोग और सतत विकास बिंदु 2015-30 के मानदंडों को समाहित किया गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने अधिकारियों से आज का काम आज ही करने का आग्रह करते हुए कहा कि अधिकारी अपना आज का काम कल पर न छोड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश को विकास पर आगे ले जाने के लिए और योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए अधिकारियों को तेजी से काम करना होगा, तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। तो सीएम की ओर से यहां पर नसीहत दी गई कि आज के काम को आज ही किया जाए। सिविल सेवा दिवस पर 8 वेब पोर्टल सीएम जयराम ठाकुर की ओर से लॉन्च किए गए। साथ ही सीएम जयराम ठाकुर का यहां पर यह भी कहना था कि आज के काम को आज ही निपटाया जाए, कल पर काम को न छोड़ा जाए, जिससे विकास तेज गति से होगा और अन्य समस्याएं भी जल्दी उनका समाधान हो जाएगा। तो 8 वेब पोर्टल यहाँ पर सीएम जयराम ठाकुर की ओर से लॉन्च किए गए। साथ ही आज का काम आज ही करने की नसीहत उनकी ओर से दी गई। सिविल सेवा दिवस के मौके पर यहाँ पर पहुंचे थे सीएम जयराम ठाकुर, जिस दौरान ये सारी बातें उनकी ओर से कही गई। साथ ही 8 वेब पोर्टल भी उनकी ओर से लॉन्च किए गए। तो जनता की समस्याओं को समझने के लिए इन पोर्टलों का प्रयोग किया जाएगा। सिविल सेवा दिवस का ये मौका था जहां पर 8 वेब पोर्टल का शुभारंभ सीएम जयराम ठाकुर की ओर से किया गया। साथ ही लोगों को यहां पर नसीहत दी गई कि आज के काम को कल पर न छोड़ें और आज के काम का निपटान आज ही कर दिया जाए, इससे विकास में भी सहायता मिलेगी और आपकी समस्याओं का समाधान भी जल्दी होगा। आज सिविल सर्विस डे के इस उपलक्ष्य में हमने मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हमारे जो ऑफिसर्स ने लिए थे उनकी लॉन्चिंग हुई है। वो इनिशिएटिव्स कुल मिलाकर के 8 इनिशिएटिव्स हैं और उन इनिशिएटिव्स की सारी तैयारी जो है हमारे हिप्पा और हिप्पा के साथ साथ में हमारा NIC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए जो हमारे ऑफिसर्स की टीम लगी हुई है, सारे सब लोगों ने उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से काम किया।